अतिथि प्रोग्राम हो या कोई भी हो, और अगर राम जन्मभूमि की बात मैं ना कहूँ तो मेरे हिसाब से बहुत सारे व्यूअर्स, क्योंकि आपके ख्यालात उसके बारे में बहुत ही स्पष्ट है, कहीं लगता है, मेरा सीधा सवाल है कि आपको लगता है कि जो मूवमेंट, जो टारगेट, जो लक्ष्य लेके शुरू किया था, आपने बताया कि लक्ष्य जो अगर डिसाइड किया है तो उसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, आपको लगता है कहीं ढीलापन आ गया मूवमेंट में? राम जन्मभूमि का आंदोलन जो है वो राजनीति का शिकार हुआ, जिन्होंने राम जन्मभूमि के उस आंदोलन में भाग लिया वो कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आया जब उनको अपनी प्रतिबद्धता बहुत दृढ़ता के साथ व्यक्त करनी चाहिए थी, वहाँ वो उनका वैवश्य, वहाँ उनका असहायता या उनकी उपेक्षा का दर्शन हुआ। लेकिन जहाँ तक राम मंदिर की बात है, मैं उस मूवमेंट के साथ जुड़ी हूँ, आज भी जुड़ी हूँ, क्योंकि हम सारे देश के अंदर अपराजित पौरुष के भाव का दर्शन करना चाहते हैं। राम भारत की अस्मिता है, राम भारत की करुणा है, राम भारत की वो भाव दशा है जो हमें शबरियों के द्वार तक पहुंचाती है, अहल्या के उद्धार की तरफ हमें प्रेरित करती है, और जटायु को पिता की तरह अंत्येष्टि करने का भाव जगाती है। धोबियों के और असहायों के और शबरियों के राम वो बनने के लिए चित्त में भाव जागता है। इसलिए हम राजमहलों में भी होते हैं तो कहीं ना कहीं बनवासी राम हमारे हृदय में विचरण कर रहे होते हैं। खाली राम मंदिर नहीं, उसके पीछे पूरे भारत के भाव दशा को राममय करना, अपराजित भाव से ओतप्रोत करना, जहां तक मेरी दृष्टि है, राम मंदिर का संस्थापन और उसके साथ राम का वह आदर्श भारतीयों के हृदय में स्थापित हो, ये लक्ष्य है। बाकी तो आप जानते हो कि राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है, जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है, हमको तो काम बस राम जी के काम से, और राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से, ये लक्ष्य, ये उद्देश्य सारे भारतीयों का है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध और सिख और जितने भी संप्रदाय हैं, क्योंकि राम किसी एक के नहीं है, राम वैश्विक हैं, राम विश्व के हैं, राम मनुष्यता के हैं, और मनुष्यता को राम ही पाथे दे सकते हैं, इसलिए राम मंदिर तो होना ही चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।